कि ये वो गठबंधन है सर्जिकल स्ट्राइक पर, डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ आउट हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला था। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया, मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर। सुनिए ये सुप्रिया का बयान, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ कहा था, ये सुनिए। कांग्रेस जो है राजनीति है, नहीं मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती, मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस जो है राजनीति, नहीं मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती, मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी, मरे केवल नक्सल आतंकी थे, उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्रीनेत, आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी, बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है, मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं बढ़िया था गुरु। यहां पर भी डेप्यूटी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। हरियाणा में यहां पर भी डेप्यूटी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। हरियाणा में